इन दिनों दिल्ली की जनता एमसीडी और केजरीवाल सरकार के बीच जारी लड़ाई से परेशान है। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच जारी जंग के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास गैर नियोजित फंड के रूप में 1800 करोड़ रुपए थे, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों को पगार नहीं दी गई। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है और इसे दिल्ली सरकार के अधीन कर देना चाहिए।